नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आरती, आपके साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। चंडीगढ़ में अमेरिका से लौटा स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव, पंजाब यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर होम में किया गया क्वारंटाइन, पूरे हॉस्टल को किया गया सैनिटाइज। शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को होगा डेमो। राहुल ने 2020 से 113 बार तोड़े सुरक्षा नियम, सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक की शिकायत की। कई देशों में ट्विटर सर्वर डाउन, लॉग इन नहीं कर पाए यूजर्स, दिसंबर में दूसरी बार समस्या, यूएस में 10,000 ने शिकायत की। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़, 8 की मौत, धक्का मुक्की में सीमेंट की रेलिंग टूटी। पटना में एक दिन के बच्चे का ऑपरेशन, डॉक्टर्स के भी फूले हाथ पैर, जन्म के बाद 2.5 घंटे में तैयार की बड़ी आंत, 8 इंच का चीरा लगाना पड़ा। पुणे में 15 साल की लड़की की किडनैपिंग, फिर रेप, 6 महीने में कई बार रेप, अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया गया, 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। नय सुशांत का केस 15 दिन में सॉल्व कर देता, बिहार के पूर्व डीजीपी बोले मुंबई पुलिस ने हमें काम नहीं करने दिया, वो कुछ बातें छिपा रहे। देश में कोरोना का खतरा, चीन समेत 6 देशों में आने वालों पर बढ़ेगी सख्ती, अगले हफ्ते से जरूरी हो सकती है नेगेटिव आरटीपीसीआर। रूस ने यूक्रेन पर दागी 100 मिसाइलें, राजधानी कीव समेत 4 शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी, लोगों ने शेल्टरों में जाने की अपील, इनमें से 2 मिसाइलें पोलैंड में गिरी। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगी और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया।